Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shenu. Happy birthday to you. Okay. सबसे पहला बीस फैंस के लिए एंड थैंक यू सो मच टेलीबाइज फॉर दिस वंडरफुल केक. अभी तो फिलहाल मेरे सरप्राइजेस शुरू हो गए हैं बिकॉज मेरे फैंस दे आर सरप्राइजिंग मी इन एनी वे एंड एवरी वे दैट आई कुड थिंक ऑफ. धनतेरस के वक्त मुझे मेरे पास क्योंकि सिंस वी वेंट टू अमेरिका मेरे घर में सोना वोना रखा हुआ नहीं था तो मैं सोच रही थी मम्मा से बात कर रही थी कि किस से पूजा करूँगी मैं. तो गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन भेजा मुझे मेरी एक फ़ैन ने एंड एनी थिंग दैट आई थिंक ऑफ उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दे आर सरप्राइजिंगली मुझे बैम्बू फेंगशुई का ट्री भेज रहे हैं एंड देन सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स. माई रूम इज़ फिल्ड विद गिफ्ट्स सो आई थिंक दैट इज़ अ सरप्राइज एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड ब्रिंग इन. मैं बर्थडे का बड़ौदा में करती हूँ हमेशा बिकॉज मेरा और मेरी बेस्ट फ्रेंड सॉरी मेरा बर्थडे और मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे आगे पीछे है तो वी स्पेंड हिज बर्थडे एंड देन माई बर्थडे वी ब्रिंग इन. तो मैं चाहती हूँ ऐसा करूँ और फिर आधा दिन मैं शूट करूँ. सो दैट्स माई यूजुअल बर्थडे का दिस थिंग. आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन. मुझे अच्छा लगता है मैं अपने क्लोज वंस के साथ मे बी अ डिनर और समथिंग और मंदिर जाना. इट हैज़ टू बी द लास्ट वन. आप सभी को याद होगा लाइक द होल यूनिट हैड सरप्राइज्ड मी एंड या मैं रोई थी और मैं इतनी खुश कभी लाइफ में नहीं हुई. इट वॉज माई लास्ट बर्थडे. इट हैज़ टू बी माई लास्ट बर्थडे. मतलब मैं ऐसे समझती हूँ कि बर्थडे के दिन जो होता है वो पूरे साल होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ. दैट इज़ वन थिंग. सेकंड थिंग आई वांट टू वर्क. दैट इज़ नथिंग एक्चुअली. आई एम अ वेरी लो मेंटेनेंस गर्ल यार. मेरे को मेरे फैंस इतना खुश रखते हैं कुछ शॉपिंग करने का मन भी नहीं करता. बट आई रियली डोंट वांट टू बाय एनीथिंग. आई एम वेरी कंटेंट. अर्न मोर लव एंड अर्न अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम माई फैंस एंड माई फैमिली मेम्बर्स एंड माई फ्रेंड्स एंड माई क्लोज वन. दैट इज़ वन थिंग दैट आई वुड वॉन्ट टू कीप इंटैक्ट एंड कीप ग्रोइंग इन दैट थिंग. और इतना प्यार मतलब कभी कभी मुझे मतलब ऐसे लगता है कि मैं खुशी के मारे मर ना जाऊँ. इतना प्यार देख के मुझे बहुत स्पेशल फील होता है एंड ऑफकोर्स माई होल यूनिट सरप्राइज मी. द एवरी टेक्नीशियन ही किसको फ़र्क पड़ता है यार. एवरी वन इज़ वेरी हैप्पी गौरी आपका बर्थडे है कैसे है ये वो. सो आई रियली फील दैट दिस इज़ व्हाट आई हैव अर्न ऑल दिस इयर्स. बहुत मैं 2 साल की थी. दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट माय पेरेंट्स हैड थ्रोन अ पार्टी फॉर एवरी वन. तो आई रिमेंबर मेरे लिए क्यूट सी वेलवेट वाली फ्रॉक लेकर आए थे. तो आई थिंक दैट इज़ माई फर्स्ट बर्थडे ऑफ मेमोरी. आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. मुझे इतना मटीरियलिस्टिक समझ नहीं आता बट यही जो सारा इतना प्यार मुझे मिलता है दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स मी सो इमोशनल एंड दैट जस्ट स्टेज विद मी फॉर एवर. सो लास्ट बर्थडे इज़ वीडियो वॉज प्रेशियस जो नकुल ने कैप्चर किया था जब everyone was trying to surprise me. It's just amazing for me. My last message is thank you so much itna sara pyar bhejne ke liye and main koshish karungi ki main aapke itne pyar ki haqdar banu. Thank you so much and I love you all.